इन्हें अपना जख्म दिखा दो। बेटी तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? डरने की जरूरत नहीं है, तुम पुरसुकून हो जाओ। देखो अब सब ठीक है, मुझे अपना जख्म देखने दो। देखो बारान साहब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, मुझे खंजर के जख्म का मुआयना तो करने दो बेटी। मैं ठीक हूँ अब्बा, डरे नहीं, पर सुकून हो जाए। उन्हें भी पुरसुकून रहने थे। बेगैरत ने मेरे अपने घर में मेरे पोते पर वार करने की कोशिश की। वो खराबियों से भी नहीं डरती, वो हमारी नाक के नीचे हमारा खून बहाने के लिए आई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? जिस दिन से आई है अपना जहर हर तरफ फैला दिया, परेशानियों ने हमें हर तरफ से घेर लिया है। कुदरत मगर तुम उदास मत हो, मैं जानती हूं उसके साथ क्या करना है। उन लोगों ने किस मुसीबत को दावत दी है उन्हें अंदाजा नहीं है। बुरहान कहां हो तुम? फरमाइए मोहतरमा। उन घटिया लोगों के घर जाओ, घर या रेस्टोरेंट कहीं से भी, इसकी मां को यहां खींच कर लाओ। देख क्या रहे हो, जाओ। क्या हुआ, तुम जल्दी कैसे आ गई? सुनो तुमसे कह रही हूं, जल्दी क्यों आ गई? काम जल्दी खत्म हो गया था। अच्छा अच्छा, जल्दी से ही प्लेट उठाओ और मेज साफ कर दो, गंदी हो रही है। हाँ अली, तुम जरा फर्श साफ कर दो, मैं चाहती हूँ हर चीज साफ सुथरी हो जाए। मुझे खरीदारी के लिए मोहल्ले के बाजार जाना है, तुम दोनों यहाँ संभाल लेना। चलती हूँ। ये बहुत तकलीफ देह है कि मेरा मंगेतर मुझे भूल गया है। बहुत प्यार करते थे हम एक दूसरे से, अब मैं उसके लिए अजनबी हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो शायद उसे सब कुछ याद आ जाए। मैंने रास्ते में किसी को देखा था, वो मानूस लग रहा था। कौन था? मुझे बाबा की तरह लगा, अजीब सी अपनाइयत सी महसूस हुई। फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूं। उसको देख के
अजीब सा एहसास हुआ था। ये तो शुक्र है कि वो समझदार आदमी था, वरना वो मुझसे नाराज भी हो सकता था। वाकई? फिर उसने क्या कहा? कहा कि शायद मेरी शक्ल तुम्हारे बाबा से मिलती है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे बाबा हैं भी या नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। फिर उसने मुझे दुआ दी और चला गया। बस यही बात थी, मैं तुम्हें बताना चाहता था। से अपनी फैमिली को ढूंढ रहे थे, अब मुझे कुछ मालूम हुआ है। क्या कहूं, ये इत्तेफाक है, मगर मैं ये नहीं कर सकती। अली अपनी फैमिली के लिए कितनी अच्छी उम्मीदें रखता है, मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके बाबा ने उसे आग कर दिया है। क्या करूंगी अब मैं? सुमृत, ठीक हो ना तुम? ताजा हवा लेने जा रही हूं। कैसी हो? अब बेहतर हो तुम? ठीक हूं मैं। मैं तुम्हारे लिए साफ सुथरे कपड़े लाई हूं बेटी। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूं। चलो अपने पुराने कपड़े उतार दो और ये पहन लो। मैं इन्हें यहीं रखकर जा रही हूं, तुम इन्हें पहन लेना, फिर तुम्हारे कपड़ों को सी दूंगी।